स्पेशल भेज हेलो बटवानी के बाद परिचय करें सर बटवा दीजिए दो आदमी को दीजिए तकरीबन बकाया राशि पर कोई राहत नहीं दी है केवल वसूली की प्रक्रिया किस कानून के तहत हो इसको लेकर विवाद है। अब मंत्री बनते ही कृषि मंत्री ने क्या बयान दिया, मंत्री कह रहे हैं कि नीतीश सरकार की नीति गलत थी और वे उसे बदलवाएंगे। यानी 2012 से लेकर आज तक जो नीति थी बिहार सरकार की और बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट तक लड़ती रही इस मामले को लेकर, तो माननीय मंत्री नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की नीति गलत थी चावल मिलों के संबंध में और वे उसे बदलवाएंगे। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि क्या नीतीश कुमार लालू प्रसाद एवं जगदानंद सिंह के दबाव में अपनी नीति में बदलाव कर क्या सुधाकर सिंह को राहत देंगे। और मित्रों इस पूरे मामले में सहकारिता विभाग की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है और वर्तमान में सहकारिता विभाग के जो मंत्री आप सब जानते हैं कि बाहुबली विधायक सुरेंद्र यादव के पास वो विभाग है। अब नीतीश जी को ये जवाब देना है कि जिस मंत्री पर राज्य सरकार का 12 करोड़ का बकाया है क्या उसे मंत्री बनाना या मंत्री बनाए रखना उचित होगा। तो मित्रों ये मेरे सवाल हैं बिहार के मुख्यमंत्री से और सवाल है सुधाकर सिंह जो जगता बाबू के बेटे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने दोनों बेटों को मंत्री बनवा लिया और प्रदेश अध्यक्ष ने अपने तीसरे बेटे को मंत्री बनवा लिया। मित्रों एक और कागज है इससे डॉक्यूमेंट के साथ मिला है तुरंत मिल जाएगा। मित्रों बिहार सरकार के वर्तमान कृषि मंत्री और राजद के विधायक श्री सुधाकर सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगता बाबू उनके सुपुत्र हैं और रामगढ़ से विधायक हैं। श्री सुधाकर सिंह की 2 राइस मिल है कैमूर जिले में, सोन वैली राइस मिल और सुधाकर राइस मिल। 2013 में जब नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और आज भी मुख्यमंत्री हैं तो राज्य खाद्य निगम कैमूर ने सुधाकर सिंह पर रामगढ़ थाने में एक FIR दर्ज कराई। FIR का डिटेल मेरे हैंडआउट में है। इस FIR में सुधाकर सिंह पर आरोप लगाया गया था कि कुल 5,31,00,000 रुपए का गबन किया गया है। कुल 5,31,00,000 का गबन किया गया है जो कि राज्य सरकार की संपत्ति है। यह गबन करते हुए इनके द्वारा आपराधिक कार्य किया गया है, अतः उपयुक्त राज्य सरकार की संपत्ति को बेचकर गबन करने के आरोप में इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाए। यानी राज्य खाद्य निगम का जो जिला खाद्य निगम था कैमूर का, उसने रामगढ़ थाने को एक पत्र भेजा जिसकी कॉपी भी आपको दी गई है कि इन कारणों से इनके ऊपर FIR दर्ज किया जाए। इस प्राथमिकी के आलोक में जिला सर्टिफिकेट अधिकारी द्वारा चावल के पैसे की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दर्ज किया गया। मित्रों इस मामले को सुधाकर सिंह ने पटना हाईकोर्ट में चैलेंज किया और अपनी FIR को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की जिसको पटना हाईकोर्ट ने 2014 में खारिज कर दिया। वर्तमान कृषि मंत्री को इस मामले में लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। इसके पूर्व उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अग्रिम जमानत के लिए भी उन्होंने प्रयास किया लेकिन जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया। और बाद में जब वो हाईकोर्ट में गए बेल के लिए तो हाईकोर्ट ने कहा कि 60,00,000 रुपया जमा कीजिए तब आपको बेल मिलेगी। तो सुधाकर सिंह ने 60,00,000 जमा किया तब जाकर उनको पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर और भभुआ जेल से उनको रिहा किया गया। ठीक है, मैं अभी केवल सुधाकर सिंह से जुड़ा मामला कर पूछ रहा हूँ तो मैं केवल उसी का जवाब दूंगा, बाकी का जवाब तो रोज दे ही रहे हूँ।
रोज़ आप लोग छाप ही रहे, वीडियो दिखा रहा है, तो सुधाकर सिंह और इस चावल घोटाले पर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते। अभी ना कार्रवाई हो रही है, अरे बहुत आप पढ़िए अखबार में, खूब छपता रहा है, पुरानी बात होगी सर, बहुत लोगों को याद नहीं होगी बात। तब इतना बहुत बहुत धन्यवाद, इसी प्रकार मिलते रहेंगे हम लोग। राकेश आगे।